गत दिवस केंद्र सरकार पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की कटौती किए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा वैट को कम ना किया जाना लोगों के गुस्से का सबब बनता जा रहा है। इस कारण पूरे प्रदेश की जनता में गहरा रोष पनप रहा है। हमीरपुर में पेट्रोल के दामों को घटाए नहीं जाने पर लोगों में गहरा रोष है। वहीं भाजपा ने भी इस मुद्दे को अपने हाथों हाथ ले लिया है और इसे जनता के साथ एक धोखा करार दिया है। भाजपा का कहना है कि यह जनता पर एक और महंगाई लादने जैसा कदम है। हमीरपुर जिला भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पेट्रोल दामों को कम नहीं किए जाने पर तानाशाही सरकार करार देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार लोगों पर महंगाई को लाद रही है और जल्द ही अगर कीमतें कम नहीं की गई तो भाजपा धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है, जिससे जिसका लाभ पूरे देश की जनता को मिल रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला था, लेकिन आनन फानन में प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने वैट की कीमतों में 2% की वृद्धि की है, जिससे केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाला लाभ जो है प्रदेश की जनता को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत इस वृद्धि को वापस लिया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के साथ सरकारों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, जनता तो सारे देश में एक समान है। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर हिमाचल में भी पेट्रोल के दामों को घटाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आप व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने कोई नीति लागू की है तो पूरे देश में एक साथ लागू होनी चाहिए। जनता जैसी हिमाचल की है वैसी दिल्ली की है वैसी गुजरात की है, यहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सरकार का रवैया गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कीमतें घटाई है तेल की ना, वो उसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2% जो बैट की कीमतें अभी कम नहीं की हैं, जिससे जो है वो पेट्रोल धारक जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश सरकार भी 2% के 2.5% कम कर दे, इससे जो लोगों को अच्छा रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से वरिंदर सिंह की रिपोर्ट।